नीलोखेड़ी, करनाल जनपद में जिला मुख्यालय करनाल से उत्तर में लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा जिले की 5 तहसीलों में एक नीलोखेड़ी शहर को महत्वपूर्ण बनाता है दिल्ली अंबाला अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं दिल्ली कालका मुख्य रेल लाइन। शहर के पूर्वी छोर से गुजरने वाला दिल्ली अंबाला अमृतसर राष्ट्रीय राजमार्ग नीलोखेड़ी को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जिला मुख्यालय करनाल समेत पानीपत, अंबाला, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल, जम्मू आदि को सड़क मार्ग द्वारा आवागमन हेतु सुविधाएं प्रदान करता है। वहीं शहर के पश्चिमी छोर से गुजरने वाला दिल्ली कालका मुख्य रेल मार्ग नीलोखेड़ी को रेल द्वारा आवागमन हेतु सेवाएं प्रदान करता है। नीलोखेड़ी रेलवे स्टेशन पर स्थापित 2 प्लेटफॉर्मों पर कुल 15 रेलगाड़ियों का ठहराव सुनिश्चित किया गया है जो नीलोखेड़ी को दिल्ली, कालका, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पानीपत, रोहतक, भिवानी, अमृतसर, मुंबई, मथुरा, आगरा, खजुराहो आदि से जोड़ती हैं। नीलोखेड़ी में शहर क्षेत्र में विकास कार्यों में सुलभता हेतु यहां नगर पालिका का गठन किया गया है। यह करनाल जनपद अंतर्गत आने वाले 7 शहरों में एक है। नीलोखेड़ी शहर में वर्तमान में लगभग 22,000 की जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से करनाल जनपद में 6ठा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। नीलोखेड़ी में तहसील मुख्यालय स्थापित है। इसे उपमंडल घोषित करने की मांग लंबे समय से जोर पकड़ रही है। नीलोखेड़ी शहर बुटाना थाना क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित होता है। नीलोखेड़ी में स्थापित राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज एवं गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष महत्व रखते हैं। नागरिकों को उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु यहां अत्याधुनिक नागरिक अस्पताल का निर्माण भी किया गया है। नगर के मध्य में स्थित गोल मार्केट शहर का व्यापारिक केंद्र बिंदु है। गोल मार्केट शहर का आधुनिक बाजार है। अपने नाम के अनुरूप ही यह बाजार एक उद्यान के चारों ओर गोलाई में स्थापित किया गया है। गोल मार्केट में बड़ी संख्या में शहर के आम नागरिक एवं आसपास के ग्रामीण खरीदारी हेतु एकत्रित होते हैं। शहर के पूर्वी छोर पर राष्ट्रीय राजमार्ग से गोल मार्केट होकर शहर के पश्चिमी छोर पर स्थित रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली मुख्य सड़क शहर की जीवन रेखा है। नीलोखेड़ी में स्थित रेलवे स्टेशन मार्ग स्थित गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा शहर में आस्था का मुख्य केंद्र है। नीलोखेड़ी शहर में पश्चिमी भाग में कारसा मार्ग भी पूर्णतः व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है। कारसा मार्ग पर भी दोनों ओर बड़ी संख्या में व्यापारिक प्रतिष्ठान कतारबद्ध दिखाई पड़ते हैं। शहर क्षेत्र के अंदरूनी भागों में भ्रमण करते हुए नीलोखेड़ी के आधुनिक, सुसंपन्न एवं विकसित रहन सहन की छवि स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नीलोखेड़ी ब्रिटिश काल में ब्रिटिश पंजाब राज्य के करनाल जनपद में एक गांव के रूप में अपनी पहचान रखता था। देश स्वतंत्र हुआ तो नीलोखेड़ी भारतीय पंजाब राज्य का हिस्सा बना एवं करनाल जनपद में ही सम्मिलित रहा। देश के विभाजन के पश्चात सीमा पार से आए लोगों ने बड़ी संख्या में नीलोखेड़ी को अपने निवास स्थान के रूप में चुना एवं नीलोखेड़ी एक शहर के रूप में विकसित होने लगा। 1966 में पंजाब राज्य के पुनर्गठन के फलस्वरूप हरियाणा राज्य अस्तित्व में आया तो नीलोखेड़ी करनाल समेत हरियाणा राज्य का अंग बन गया। राज्य गठन के पश्चात यहां तहसील स्थापित की गई। नीलोखेड़ी करनाल जनपद अंतर्गत आने वाले 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में एक है। तरावड़ी एवं निसिंग के शहरी क्षेत्र भी नीलोखेड़ी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत ही सम्मिलित हैं। नीलोखेड़ी के स्थानीय निवासी करनाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करते हैं। नीलोखेड़ी जैसे विकसित शहर में आना एवं इसे कैमरे में संजोना एक यादगार अनुभव रहा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। नीलोखेड़ी पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर साझा करें जो नीलोखेड़ी अथवा आपके हृदय से जुड़े हुए हैं। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक आपका मित्र मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।